नमस्कार फ्रेंड्स, यह है रोलैंड FA06 और आज इस कीबोर्ड में हम टेस्ट मोड की बात करते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली ये टेस्ट मोड होता क्या है कि जब हम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उसका स्टेटस जानने के लिए ये टेस्ट मोड होता है। फ्रेंड्स, उसमें कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ दो तीन स्विचेस को एक साथ में हम प्रेस करके फिर जब इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं ऐसे कुछ होता है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट के डिस्प्ले से उसके टेस्ट मोड को हम चेक कर सकते हैं। वहां से हम देख सकते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का स्टेटस क्या है। लाइक इसके हार्डवेयर में जितने भी माइक्रो स्विचेस वगैरह, ब्लैक एंड व्हाइट स्विचेस वगैरह है, वो प्रॉपरली वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके डिस्प्ले का कैलिब्रेशन क्या है, उसके लाइट्स सब वर्किंग करते हैं कि नहीं कर रहे, फिर उसका रैम का स्टेटस क्या है और फिर मेमोरी कैसा है, तो हर एक चीज हमें ये दिखाता है। और उन सब चीजों को समझना इसलिए हमारे जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जब सेकेंड हैंड इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तब हमारे पास इन सब चीजों को समझने की क्षमता नहीं होती है, या हम इसको किसी टेक्नीशियन के पास ले जाके दिखा सकते हैं। और अगर आपके प्रदेश में, आपके आसपास में अगर कोई टेक्नीशियन नहीं है तो आप खुद उसको टेस्ट मोड में जाकर के चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा आप सबके दो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हो सके तब तक इसको खेल समझ के यूज ना करें। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम कोई पैसा खर्च करने जा रहे हैं और जब हमारे पास कोई टेक्नीशियन नहीं हो, तब फ्रेंड्स हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो टेक्नीशियन है, जो कंपनी के ऑथराइज सर्विस स्टेशन से, ये लोग तो इसका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो आज मैं आपको अभी जब स्क्रीन नजदीक लेकर के हर एक चीज आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आई फ्रेंड्स, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, टेस्ट मोड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके कीबोर्ड में 5 नंबर 7 नंबर और 9 ये तीनों की को एक साथ में प्रेस करके रखना है। 5, 7 और 9 ये तीनों की को पूरा ऐसा प्रेस करके रखना है और आपके कीबोर्ड को ऑन करना है। और जब आप कीबोर्ड ऑन करते हैं, ये मैं आपका डिस्प्ले ओपन होता है, लेकिन तब तक आपने वेट करना है जब तक ये स्क्रीन आपका नहीं आता। अब फ्रेंड्स, आप अगर नोटिस करेंगे तो जब आप टेस्ट मोड में होंगे तो यहां पर आपके सामने ये स्क्रीन तो पूरा दिखाता है, लेकिन तभी आपके कीबोर्ड के जितने भी लाइट्स है वो सभी लाइट्स आपको ऑन कंडीशन में मिलेंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं ये दोनों लाइट ऑन है, ये तीनों लाइट्स ऑन है, ये भी ऑन है, ये जो चार पैरामीटर वाले जो सिलेक्शन वाले लाइट है वो सब भी ऑन है, ये दोनों लाइट्स भी ऑन है। अब इसको आगे देखते हैं तो जैसे ये तीनों लाइट्स भी ऑन है, ये सभी लाइट ऑन है, ये सब लाइट ऑन है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी स्विच के अंदर लाइट्स है, जैसे यहां पर भी ये पूरे के पूरे 888 सब नंबर दिखा रहा है, ये ऊपर वाले सब लाइट्स ऑन है। और ये जो भी जितने भी पैड्स है, उन सभी पैड का कलर भी अगर आप देखेंगे तो ये मिक्स कलर है। जैसे अभी ये तीनों का रेड कलर है, ये ग्रीन कलर, और बाकी की ये सब स्विच का कलर रेड है, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये हल्का सा ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब अभी हमारा कीबोर्ड टेस्ट मोड में है। अब फ्रेंड्स, जैसे अभी आप कीबोर्ड को ऊपर से देख रहे हैं, वहां पर वर्जन चेक में तो आपको दिखा रहा है कि APLI वर्जन 2.03 और बूट वर्जन है 1.01 जो यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब जैसे हम लोग ये डाउन एरो जो है अपना, ये अप एंड डाउन स्विचेस है, उससे हम जैसे इसको डाउन करते हैं तो ये दिखा रहा है डिवाइस। अब आप बता रहा है नीचे कि एंटर करना है, आप एंटर करेंगे तो अब ये पूरे सेटिंग्स को अपने आप वो चेक करता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये NOR फ्लैश, SDRMH, SDRML, SD कार्ड, ये सबको अपने आप ऑटोमेटिकली ये चेक करता है और जो जो चीजें उसके हिसाब से ओके है उन सबको वो ओके बता रहा है। अब जैसे यहां पर मैंने USB मेमोरी नहीं लगाया हुआ है इसलिए वो NG दिखा रहा है, और बाकी के सब पैरामीटर्स आप देख रहे हैं सबको वो चेक करके ओके दिखा रहा है। फ्रेंड्स, इसका मतलब यहां तक आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी पैरामीटर्स थे अपने कीबोर्ड ने चेक किया है, ये 12 नंबर पर सिर्फ उसको पेन ड्राइव USB नहीं मिला है। अब हम इसको बाहर आते हैं, बैक करते हैं
अब ये दिखा रहा है यूएसबी ओवर CUR। अब इसको एंटर करेंगे तो ये दिखा रहा है यूएसबी ओवर करंट, लेकिन यहां पर अभी ऐसा कुछ भी है नहीं, इसलिए वो ये मिडी इन और मिडी आउट। अगर आपने इसके साथ कोई मिडी कनेक्टर, कोई भी मिडी इंस्ट्रूमेंट लगा के रखा होगा तो वो दिखाएगा। ये दिखा रहा है कनेक्ट मिडी इन एंड आउट। अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट इसके साथ कनेक्ट करेंगे, स्टेटस दिखा रहा है अभी डिसकनेक्टेड है। देन एनकोडर, एनकोडर में जैसे हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, ये अपना बाजू में जो ये सर्कुलर है इसको जैसे हम घुमाते हैं तो ये आपको दिखाता है कि ये एनकोडर जो आपका वॉल्यूम है, वो जो बटन है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब हम लोग फ्रेंड्स एक एक अलग अलग स्टेप्स पे चल रहे हैं। अब जैसे ये दिखा रहा है S1 स्विच, तो इसका मतलब आपके कीबोर्ड में ये जो स्विच है वो S1 का स्विच है। हम इसको जैसे प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले में तुरंत नेक्स्ट स्विच सिलेक्ट करता है। अब मैं आपको दोनों चीजें एक साथ में नहीं दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट स्विच जैसे हमने सिलेक्ट किया, अब ये हमें अपना डिस्प्ले दिखा रहा है कि आपको देखना है डीबीम, डीबीम की जो असाइन वाली स्विच है उसको चेक करना है। अभी आप देख रहे हैं यहां पर ये डीबीम स्विच हमने देखा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां पर सामने साइमल्टेनियसली आपको ये डिस्प्ले में भी सब चीजें दिखा रहा है। अब ये दिखा रहा है सिलेक्ट, अब डो कंट्रोलर के लिए पूछ रहा है जो डिस्प्ले में अभी है, डो कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा मुश्किल मेरे लिए हो रहा है दोनों चीज आपको एक साथ में दिखाना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। अब ये स्प्लिट, ड्यूअल, ट्रांसपोज, ऑक्टेव डाउन, ऑक्टेव प्लस, अब ये दिखा रहा है प्रीव्यू, हमने प्रीव्यू किया, फेवरेट, बैंक। तो फ्रेंड्स इस तरह से हर एक स्विच को ये आपके साथ में टेस्ट भी करते जा रहा है। अब ये पूछ रहा है मेनू के लिए, मेनू के बाद में राइट, इसके बाद में एंटर, इसके बाद में एरपेजियो कॉर्ड, ये सभी स्विचेस को फ्रेंड्स इन शॉर्ट ये कीबोर्ड कहना चाहता है। हम लोग हर एक चीज को इस तरह से देख सकते हैं। फिर जैसे हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं तो सैंपलिंग, ये एक 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 बटन हमारे सामने आते जा रहा है। यहां पर हर एक बटन को ये दो बार दिखाएगा क्योंकि हर एक बटन में दो दो ऑप्शंस है। यहां पर एक बार रेड एक बार ग्रीन होगा, जब तक आप उसको दोनों को एक साथ में चेक करते चलेंगे ये हमारे सामने ये पूरा, ये नेक्स्ट बटन ऑटोमेटिकली आता है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। अब जैसे ये डिस्प्ले में दिखा रहा है डिक्रीज, तो हमें ये डिक्रीज को करना है चेक, ये डिक्रीज है, और अप करना है इंक्रीज, लेफ्ट डाउन राइट, फिर आएगा शिफ्ट, फिर आता है एग्जिट, फिर पूछता है टैप और रीसेट बटन के लिए पूछता है ये, फिर BWD फॉरवर्ड स्टॉप। अब ये पूछता है कि टैप बटन को प्रेस करेंगे। अब फ्रेंड्स जब हम टेस्ट बटन टैप बटन को प्रेस करेंगे तो इसका टेस्टिंग आएगा। अब ये टेस्ट अपने आप करता है कि ये सब LEDs प्रॉपरली वर्किंग करती है कि नहीं करती है, ये उसका टेस्ट है ये। अब ये एक बार फिर से पूछ रहा है, अब ये 7 नंबर के लिए चेक कर रहा है, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यहां पर ये पूरा डिस्प्ले भी आपको दिखा रहा है, ये पूरा स्क्रीन का कलर चेक करवा रहा है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे ये आपको अलग अलग ऑप्शंस में आपके स्क्रीन को दिखाता है। जैसे अभी ये पूरा रेड कलर दिखा रहा है, ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, ब्लू,
तो ये व्हाइट कलर दिखा रहा है, उसको हम फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये डार्क ग्रे कलर दिखा रहा है। अब ये अलग अलग जैसे अपना साउंड मॉडिफाई, तो हमारे ये जो बटन है, इन सब बटन्स को जैसे मैं बारी बारी घुमाता हूं, आप लोग यहां पर चेक कर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपको ये जैसे लाइन आगे बढ़ रहा है ना, ये बटन को मैं पूरा और एकदम से माइनस करता हूं। ये बटन अगर ओके हो गया तो ये आपको दिखाएगा ओके, मींस हमें ये चीज दिखा रहा है कि हमारा कीबोर्ड हर एक जगह से प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम टेम्पो बटन को चेक करते हैं, जैसे ये अपने कीबोर्ड में यहां पर होता है। अब अपना बेंडर है, बेंडर को लेफ्ट और राइट किया मैंने, अब ये ओके हो गया। मॉड्यूलेशन को ऊपर नीचे किया, अब कंट्रोल पैडल 1, कंट्रोल पैडल 2 और होल्ड पैडल। अब हमने कीबोर्ड के साथ अगर ये पैडल्स को कनेक्ट करके रखा होगा तो ये हमें यहां से इसका सेटिंग दिखाएगा, मतलब उसका कैलिब्रेशन भी हो जाएगा और साथ में वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हमें पता चलेगा। अब फ्रेंड्स जब हम अपने कीबोर्ड के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ गैजेट्स इसके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तभी हमारे साथ ये होगा कि हम उस टेस्ट मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, और वहां से बाहर निकलने के लिए फ्रेंड्स हमें वापस कीबोर्ड को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सब इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो उन सब चीजों को देख पाना मुश्किल है। अब जैसे ये LED हो गया, LCD हो गया, फोन्स है, मेन आउट। अब मेन आउट में अगर हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट इसके साथ कनेक्ट करके रखा होगा तो ये दिखाएगा, लाइन इन, माइक इन, गिटार इन, USB ऑडियो, डीबीम एडजस्टमेंट करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको एंटर करते हैं, अब ये डीबीम की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। जैसे अभी मैं इसको, ये जो अपना डी बीम है उसको अपने हाथ के हिसाब से मैं उसको सेंस कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये अभी मिनिमम टू मैक्सिमम ये हमें दिखा रहा है, यहां पर उसका वैल्यू भी दिखा रहा है। अब ये साउंड चेक के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर कीबोर्ड के साथ अगर हमारा कोई अभी कनेक्टेड नहीं है तो हम इसको वहां से बाहर निकलेंगे। अब ये पूछ रहा है कि केबल कनेक्ट करिए और फिर चेक करिए, तो अभी इसके साथ मैंने कोई केबल कनेक्ट करके नहीं रखा हुआ, इसलिए हम अभी इसको वापस स्विच ऑफ करेंगे और फिर वही 5, 7 और 9। अगर आप आपके कीबोर्ड को थ्रोली अगर चेक करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपने ये सब इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके साथ कनेक्ट करके रखेंगे तो आपको हर एक चीज का बहुत माइक्रो डिटेल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब चलिए वेव चेक सम दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि वेव रोम 1 बिजी है और वेव रोम 2 वो भी बिजी है। इसका मतलब अभी हमने यहां से वेव रोम को चेक किया, फिर हम वापस कीबोर्ड पे आते हैं। अब कीबोर्ड को जैसे एंटर करते हैं तो ये पूछ रहा है इंक्रीज टू स्टेप, ये ऑर्गन, ये हमारे जो भी नोट्स है उन सब नोट्स को हम लोग चेक करते हैं कि सभी नोट्स अपने ब्लैक एंड व्हाइट जो कीज है वो सब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वाला तो फ्रेंड्स मैं यहां से अभी ये एक एक नोट्स को मैं चेक कर रहा हूं, आप भी साथ में देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी C3 किया, C#3, D3, तो इस तरह से आप हर एक नोट को चेक कर सकते हैं, मतलब अगर उसमें वेलोसिटी भी आप चेक कर सकते हैं, मैक्स टू ये मिनिमम 49, वेलोसिटी 1 to 127। इस तरह से आप आपके कीबोर्ड के हर एक नोट को भी कीबोर्ड के चेक कर सकते हैं कि ये सब प्रॉपरली वर्किंग कर रहे कि नहीं कर रहे। अब ये हो गया हमारा कीबोर्ड चेक। अब जैसे हमने वापस वहां से एग्जिट किया तो म्यूट अभी ऑफ दिखा रहा है, ऑक्टेव प्लस और माइनस से हम लोग इसको म्यूट ऑन या ऑफ ये चेक कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स अभी हमने कीबोर्ड भी चेक किया, म्यूट चेक किया, अब हम इसको देखते हैं। फैक्ट्री रीसेट तो नहीं करना है क्योंकि ऑलमोस्ट अगर रीसेट करेंगे तो हमारा सब सॉफ्टवेयर वगैरह, सॉरी जो डम बनाया हुआ डेटा निकल जाएगा। अब इसको ईआरपी चेक करते हैं, तो चेक ईआरपी पावर ऑफ और प्रेस एंटर। इसको जब अभी हमने एंटर किया तो इसका मतलब ये कीबोर्ड अभी ऑफ हुआ है। और फिर ईआरपी चेक किया कीबोर्ड ने और इसके लिए उसने स्विच ऑफ किया था और फिर वापस हमने अभी पावर ऑन किया। तो नमस्कार फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूं कि मैंने अभी यहां से जो आपको ये ट्यूटोरियल में दिखाने की कोशिश करी है वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। और इसको लेकर अगर आपके कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। और अगेन मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं कि आप इसको खेल समझ के कभी इसका उपयोग ना करें। अगर आपको इसकी बहुत ही जरूरत है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम चेक करना जरूरी, आपके नजदीक में कोई ऑथोराइज सर्विस स्टेशन टेक्नीशियन नहीं है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी, और अगले किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।